Hello fabulous people, welcome back to my channel Make It Fab with Shashi. Today we are making plain kurti with broad neck. चलिए कटिंग शुरू करते हैं. पहले हम लाइनिंग कट करेंगे. 5.5 इंच का हमने तीरा लिया है और आर्म होल की लंबाई हमने 6.5 इंच ली है. इसे हम अब स्ट्रेट कर लेंगे. 14 इंच पे हम कमर का निशान लगाएंगे और 21 इंच पे हम हिप का निशान लगाएंगे. अब इन निशानों को हम स्ट्रेट कर लेंगे. 1.5 इंच पे हम आर्म होल की गोलाई देंगे. चेस्ट हम 8.75 इंचेस ले रहे हैं. वेस्ट हम 7.5 इंच ले रहे हैं और हिप हम 9 इंचेस ले रहे हैं. चेस्ट में हमने 3 इंच प्लस किया है और फिर 4 से डिवाइड कर दिया है. ऐसे ही हमने कमर में 2 इंच प्लस किया है और हिप में भी 2 इंच प्लस किया है. 4 से डिवाइड करने पे हमारा जो भी मेजरमेंट आ रहा है हम उसी पे निशान लगा लेंगे. कुर्ती में 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन और ऐड करते हुए हम इसे कट करेंगे. हमारी लाइनिंग 4 फोल्ड थी. हमने आगे का और पीछे का पार्ट दोनों एक ही साथ काटा है. अगर आप चाहें तो आप अलग अलग भी काट सकते हैं. जो हमारा मेजरमेंट का निशान है हम उस पर एक एक कट लगा लेंगे, कमर पे भी और हिप पे भी. लेंथ में हमने जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था हम उतने पे भी कट लगा लेंगे, वो हमारी सिलाई में सिल जाएगा. आर्म होल में हम 1/2 इंच अंदर लेके फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे और उसे काट लेंगे. हमारा फ्रंट पार्ट कट गया है. अब हम बैक पार्ट में निशान लगाएंगे. सेम मेजरमेंट हमने बैक पार्ट में भी ड्रॉ कर लेने हैं. बैक प्लेट की लंबाई हम शोल्डर से 11 इंच पे लेंगे और इसकी लंबाई हम 8 इंच रखेंगे. इसकी चौड़ाई हम 3.5 इंच पे लेंगे और इसे स्ट्रेट कर देंगे. यही सेम निशान हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे. हमारी लाइनिंग कट गई है. अब हम फैब्रिक को काटेंगे. फ्रंट और बैक पार्ट हम अलग अलग काटेंगे, हम एक साथ नहीं काट रहे हैं. लेंथ हमें तैयार 38 इंच चाहिए तो हम उसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए निशान लगा के उतनी लंबाई काटेंगे. लाइनिंग को कपड़े पे सही से रखकर हम फैब्रिक को कट कर लेंगे. देखिए फ्रेंड्स, हमने फ्रंट पार्ट कट कर लिया है. अब हम ऐसे ही बैक पार्ट को कट करेंगे. जितना हमें मार्जिन के साथ कपड़ा चाहिए है हम उतने ही कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लेंगे और उस पर बैक पार्ट को बिछा लेंगे. बैक पार्ट की लेंथ मैं पहले से ही ड्रॉ कर रही हूँ ताकि मुझे बाद में परेशानी ना हो. आप चाहे तो पहले अस्तर रख के फिर भी ड्रॉ कर सकते हैं. अब हम कपड़े को कट कर लेंगे. जैसे जैसे हमारी अस्तर की शेप है हम वैसे वैसे कपड़े को कट करते जाएंगे. इसमें हमें एक्स्ट्रा कपड़ा बिल्कुल भी नहीं लेना है. हमारा जितना अस्तर है उसके साथ जितना मार्जिन है हम उतने कपड़े को कट कर लेंगे. मैं यहाँ गला बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रही हूँ. गले की लेंथ हम 6.5 इंच ले रहे हैं और इसकी चौड़ाई हम 3 इंच पे ड्रॉ कर रहे हैं. हमारे गले की शेप गोल नहीं है, ये हमने यू शेप में बनाया है. आप देख सकते हैं 1 इंच पे हमने गले की गोलाई दी है. करीब 1 इंच का मार्जिन लेते हुए हम गले को कट कर लेंगे. आप देख सकते हैं हमारी गले की शेप कितनी परफेक्ट आई है. इसे हमने फैब्रिक पर चिपका लिया है. एक्स्ट्रा मार्जिन को हम सिलते जाएंगे. जैसे जैसे हमारी गले की शेप है ऐसे ही हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को सिलते जाएंगे. अब हम गले के सेंटर का कट लगा लेंगे या फिर आप निशान भी लगा सकते हैं. इससे हमें सूट में गले को लगाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. अब हम सूट में लाइनिंग को जॉइंट करेंगे. लाइनिंग की लेंथ में हमने जितना एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ है उसे हम फोल्ड करके सिल देंगे. आप देख सकते हैं फ्रेंड, अब हम इसे अपने कपड़े के साथ सिलेंगे. अस्तर को कपड़े के साथ रखते हुए हम किनारे पे कच्ची सिलाई लगा लेंगे. आप चाहे तो पक्की सिलाई भी लगा सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा रही हूँ. कपड़े और अस्तर को नापते हुए हम इसमें सिलाई लगा लेंगे. अगर आपका फैब्रिक लाइनिंग से ज़्यादा हो तो आप उसे बराबर कट कर लेंगे. जितना हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक आया था हमने उसे कट कर लिया है. अब हम इसे फोल्ड करके सेंटर मार्क कर लेंगे.
और अपने गले को रख के सेंटर से सेंटर मिला के हम बीच में एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमें गले को शेप में सिलने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब हम गले को जैसे जैसे हमारे गले की शेप है वैसे वैसे सिलते जाएंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने गले को सिल लिया है। अब हम इसमें आधे इंच का मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। कट्स लगने के बाद हम गले पर किनारे की सिलाई लगा लेंगे मार्जिन को पेपर पेस्टिंग की तरफ रखते हुए। इससे हमारे गले की फिनिशिंग अच्छी आएगी। देखिए फ्रेंड्स, हमने सिलाई कर ली है, अब हम इसे कच्चा कर लेंगे। हमारा गला बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। जैसे हमने फ्रंट पार्ट को तैयार करा था, ऐसे ही हम बैक पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे सिखाने का तरीका कैसा लगा। और नई चीज़ें सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमने अस्तर को कपड़े के साथ जोड़ लिया है। अब हम जैसे हमने फ्रंट पार्ट में सेंटर मार्क किया था, ऐसे ही हम बैक पार्ट में भी सेंटर मार्क कर लेंगे। अब हम बैक नेक बनाएंगे। बिना बुकरम की मदद से हम बैक नेक को तैयार करेंगे। हमने 5 इंच लंबाई कपड़ा लिया है। इसमें हम गले की लंबाई 3.5 और गले की चौड़ाई 3 इंच लेके अपने गले को ड्रॉ करेंगे। इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन हमने सिर्फ 1.5 इंच रखा है, जिसमें कि 0.5 इंच फोल्ड हो जाएगा। 3 इंच चौड़ाई और 3.5 इंच पे लंबाई लेके हम अपने गले को राउंड शेप में ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे हम दूसरी तरफ ड्रॉ करेंगे और इसे एक अच्छी सी शेप दे देंगे। इसका सेंटर मार्क करते हुए हम इसे बैक पार्ट में लगा लेंगे सीधी तरफ। सेंटर में कच्ची सिलाई लगाने के बाद जैसे हमने फ्रंट गले को तैयार किया था, ऐसे ही हम बैक गले को तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे हमने गले को शेप दी है, हम वैसे ही सिलाई कर लेंगे। किनारे की सिलाई लगने के बाद अब हम इसे प्रेस से बिठा लेंगे और 1/2 इंच के एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम प्रेस से मोड़ लेंगे। अब हम बैक प्लेट्स को सेंटर से कच्चा कर लेंगे, जैसे हमने लाइन ड्रॉ करी है ऐसे ही, जिससे हमें बैक प्लेट्स को सिलते टाइम परेशानी नहीं होगी। बैक प्लेट्स को कच्चा करने के बाद अब हम इन्हें सिल लेंगे। एक पैर का मार्जिन लेते हुए सेंटर से हम इसे सिलेंगे। कच्ची की हुई सिलाई को हम उधेड़ लेंगे। ऐसे ही हम दूसरी प्लेट को सिलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने सिल ली है। गले को प्रेस से सेट करने के बाद हम कंधों को सिलेंगे। करीब 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम कंधों को सिल रहे हैं, आप देख सकते हैं। ऐसे हम दोनों कंधों को सिल के उस पर डबल सिलाई कर देंगे। डबल सिलाई करने के बाद हम बैक गले को कच्चा कर लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स,
इसी के साथ हमारे दोनों गले बनके तैयार हैं, आप देख सकते हैं। हमने चिट बटन लगाने के लिए लुपी बना लेनी है, करीब 6-7 इंच की ये लुपी बनाई है मैंने। लुपी बनने के बाद हम उरेप पट्टी को जॉइंट कर लेंगे। हमें उरेप पट्टी आर्म होल में लगाएंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन से उरेप पट्टी को लगाते हुए हम इसे सिल लेंगे। करीब 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं उरेप पट्टी को लगा रही हूँ। शोल्डर जॉइंट पे हम अपनी लुपी को लगा लेंगे। उरेप पट्टी को थोड़ा लूज छोड़ते हुए हम गोलाई में इसे सिल लेंगे। एक पैर के फैब्रिक को छोड़ते हुए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे, आप देख सकते हैं। एक्स्ट्रा कपड़े को एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ सिलते हुए हम कच्चा कर लेंगे। अब हम इसे पलट के एक सिलाई लगा लेंगे। मैं यहाँ कच्ची सिलाई लगा रही हूँ, आप चाहे तो पक्की सिलाई भी लगा सकती हैं। हमारी सिलाई लग गई है, अब ऐसे ही हम दूसरे आर्म होल को तैयार कर लेंगे। शोल्डर की तैयार पट्टी हमें 2 इंच रखनी थी, तो हम इसे एक बार चेक कर लेंगे और फिर सिलाई कर लेंगे। हमारा दूसरा आर्म होल भी तैयार है, अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। जैसे जैसे हमने मार्क किया हुआ था हम वैसे ही इसमें सिलाई लगा लेंगे। आर्म होल में हम 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए सिलाई लगाएंगे। आर्म होल में जैसे हम देखते हैं किसी किसी के आर्म होल में झोल आता है, तो हम 1/2 इंच इसलिए अंदर ले रहे हैं ताकि आर्म होल में झोल नहीं आए। आप ऐसे ही अपने सूट को सिलेंगे तो आपके आर्म होल में झोल दिखाई नहीं देगा। आप हिप पे सिलाई पक्की करते हुए हम वापस एक पैर को मार्जिन देते हुए सिलाई कर लेंगे। ऐसे ही हम दूसरी तरफ सिलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी फिटिंग की सिलाई लग गई है। अब हम साइड्स को और लेंथ के एक्स्ट्रा मार्जिन को फोल्ड करेंगे। इससे पहले हम एक और लुपी तैयार कर लेंगे। इसे हम हिप के एंड में लगाएंगे, जिससे कि हमें आई बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्स्ट्रा मार्जिन से सिलाई की तरफ सिलते हुए हमें उसे सिलाई पे पक्का करते हुए वापस आ जाना है। ऐसे ही हम दूसरी तरफ करेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन से सिलाई तक सिलते हुए हम वापस आ जाएंगे। ऐसे हमने दूसरी साइड भी लगा लेनी है। ये लुपी हम इसलिए लगाते हैं जिससे कि हमारा
हिप के पास से कपड़ा मजबूत रहे, जल्दी फटे नहीं। देखिए फ्रेंड्स, हमने लूप भी लगा ली है, अब हम लेंथ फोल्ड करेंगे। लेंथ में हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन को लेते हुए उसे कच्चा कर लेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन हमारा शोल्डर में से सिल चुका है, इसलिए हम नीचे 2 इंच ही मोड़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने लेंथ में से एक्स्ट्रा फैब्रिक को मोड़ लिया है, अब हम साइड्स को मोड़ेंगे। साइड्स मोड़ने के लिए हमने पहले फ्रंट पार्ट लिया है, फ्रंट पार्ट को डबल फोल्ड करके हम पहले साइड्स का निशान लगा लेंगे कि हमें कितनी रखनी है। मैंने यहाँ पे साइड 9.5 इंच ली है। फ्रंट और बैक में 9.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है। 9.5 इंच से एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए हम फोल्ड कर लेंगे अपनी साइड्स को। ऐसे ही हम दूसरी तरफ करेंगे। हिप के पास से सिलाई लाते हुए हम वापस पलट लेंगे अपने सूट को। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा सूट इसी के साथ सिल के तैयार है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।